एशियल बंकोला क्षेत्र के तिलावनी कोलियरी का कोयला उत्पादन का कार्य प्रबंधन ने निविता के तहत निजी कंपनी जय माइनिंग्स को सौंप दिया। इस अवसर पर शुक्रवार 23 जून को एक कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के महाप्रबंधक संजय कुमार साहू, निजी कंपनी के अधिकारियों, मजदूर संगठनों के नेताओं की उपस्थिति में मशीन की पूजा अर्चना किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के महाप्रबंधक संजय कुमार साहू ने अपने संबोधन में कहा कि तिलावनी कोलियरी का कोयला उत्पादन में वृद्धि करने और ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से ईसीएल प्रबंधन ने निविता के तहत निजी कंपनी जय माइनिंग को कोयला उत्पादन करने का जिम्मा सौंपी है। इस कंपनी को वार्षिक कोयला उत्पादन 18,60,000 मैट्रिक टन लक्ष्य दिया गया है। अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कंपनी कोयला उत्पादन करके ईसीएल प्रबंधक को सौंपेगी, जिससे क्षेत्र का कोयला उत्पादन बढ़ने के साथ ईसीएल को भी अपना कोयला उत्पादन लक्ष्य पूरा करने में सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर उपस्थित INTTUC के नेता सुजीत मुखर्जी ने कहा कि कोयला उत्पादन बढ़े लेकिन श्रमिक हितों का कोई नुकसान नहीं हो और स्थानीय बेरोजगार युवकों को निजी कंपनी रोजगार उपलब्ध कराए। सीटू नेता रामनिवास दुसाद, BMS नेता नवि रसूल और आदिवासी नेता जलकर हेमरम ने भी अपना विचार रखा। महाप्रबंधक समेत सभी ने मंत्रोच्चारण के साथ मशीन पर नारियल फोड़ा। खबर पांडेश्वर की रिपोर्ट। अधिकारीगण, ऑल HODs, एजेंट्स, तिलावनी प्रोजेक्ट के अधिकारी, एरिया के तमाम JCC मेंबर्स, तिलावनी कॉलरी के सभी JCC मेंबर्स, आज बहुत इंतजार के बाद ये खुशी का घड़ी आया है। तिलावनी प्रोजेक्ट का एक तरह से कायाकल्प होने का आज शुरुआत है। जो प्रोजेक्ट मुश्किल से 400 टन उत्पादन कर पा रहा है तिलावनी कोलरी, इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से हमें आशा है कि आने वाले वर्ष में ये 4,000 टन उत्पादन करेगा प्रतिदिन। ये पूरे तिलावनी कॉलोनी के लिए, बंकोला एरिया के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसके लिए हमारे तमाम हेडक्वार्टर के CMD साहब, निदेशकगण, तमाम HOD, सब लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है और सबसे ज़्यादा इसमें अब सहयोग जो प्रदान किया है तिलावनी कॉलोनी के तमाम मजदूरगण, तमाम अधिकारी। ईसीएल निर्माण प्रोजेक्ट बेसरकारी हाथे दिए उत्तोलन कयला, ताते साधारण मानुष कतटा उपकृत हबे एवं एलाकार मानुष किभाबे उपकृत हबे ये प्रोजेक्टर माध्यम दिए। ये प्रोजेक्टा MDO कम्पानी जेटा नीचे सेटा आमरा ईसीएल मैनेजमेंट संगे दुई चार बार मीटिंग करार पर आमरा व्यवस्था करेछि। আমাদের এখানে যে তিলাবনী বা সম্পূর্ণ পিট আছে, এখানে কোনো কর্মচারী কোনো প্রকারের কোনো যেন অসুবিধা না হয়, ট্রান্সফার কেউ যাবে না। এবং সংলগ্ন গ্রাম, বিশেষ করে সম্পূর্ণপুর কুমারডি আশেপাশের এই যে আজকে মাটি কাটা শুরু হলো, এই মাটিটা ফেলবে কোথায়, তার কী ব্যবস্থা, জলের লাইন, স্ট্রিট লাইট, রাস্তাঘাট আরও যেগুলো আছে ভাঙা ভাঙা হবে সেগুলোর জন্যে গ্রামে, বিশেষ করে এই যে MDO কোম্পানি বাটে যেটা জয় মাইনিং নিয়েছে, বাইরের লেবার কোনো কিছু আমরা এন্ট্রি করবো না। গ্রামে ছেলেরা সিকিউরিটি হোক বা লেবারের কাজ হোক বা কোনো কিছু হোক, কন্ট্রাক্টারই হোক, আমাদের গ্রামে বা শামসুন্দর বা কুমারডি গ্রামে যে সংলগ্ন বেকার ছেলেরা আছে তারাই যেন কাজের অগ্রাধিকার পায়। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে নরেন চক্রবর্তী মহাশয় আমাদের MLA এবং হরিরাম সিং আমাদের GS এবং MLA দুজনে মিলে কথা হয়েছে GM-এর কাছে এবং তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে কোনো প্রকারের কোনো গণ্ডগোল হবে না। এবং আজকে এই উদ্বোধনের দিনেও আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার যে এই যে জয় মাইনিং বলুন আর যেই কোম্পানি নিচে, আমরা ECL-কে চিনি, আমাদের কোনো কিছু প্রকারের ক্ষতি হলে আমরা ম্যানেজমেন্টকে ছেড়ে কথা বলবো না, তাতে যদি প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে যায় তখন যেন আমাদের কোনো দোষ না। ফিউচার ওয়ার্কারদের ব্রাইট আছে, যদি অ্যাকচুয়ালি ওদের ফিউচার ঠিক আছে, আমরা বলছি এখান থেকে কেউ লোক ছড়বে না, ওরা একটা মাইন্ডস রাখবে যে তুই যে উইলিং অ্যাকসেপ্ট যে করবে, কেউ অনেকে ভাবছে যে আমি প্রজেক্টে থাকবো না, আমি আপনার নিজের এলাকায় যাবো, যেতে পারে উইলিং অ্যাকসেপ্ট যারা করবে, বাকি কোনো লোককে হুইমসিকালি জানতে পারেন। এবং আমরা আজকে প্রতিশ্রুতি নেবো